अस्सलामु अलैकुम, मैं जुलेखा अरफात जुलेखा किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं खड़े मसालों का चिकन स्टू। बहुत ही इजी, झटपट घर के हाजिर मसालों से बन जाता है। चलिए शुरू करते हैं साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश बनाते हैं आज की। चलिए एक कढ़ाई के अंदर तेल डाल दीजिए। वैसे ये मैंने कल चिकन फ्राई की थी, वही तेल है, आप फ्रेश ले सकते हैं। ये गरम मसाले हैं, दो काली इलायची बड़ी वाली है, ये 7-8 काली मिर्च है, एक डंडी दालचीनी की, दो हरी इलायची, 3-4 लौंग और दो तेज पत्ता। ये सारे गरम मसाले तेल के अंदर डाल दीजिए और इन्हें मिक्स कर लीजिए और इन्हें तड़तड़ा जाने दीजिए फास्ट आँच पर। जब तड़तड़ा जाए हमारे ये गरम मसाले, तो 250 ग्राम बारीक लंबी स्लाइस करी हुई प्याज डाल दीजिए और इसे भी फ्राई करते जाए फास्ट आंच पर। तब तक फ्राई करें जब तक लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती, तब तक। ये देखिए प्याज लाइट गोल्डन ब्राउन हो गई है ना, मैं आपको चिकन बता देती हूँ। 1/2 किलो चिकन है, 2-3 पानी से धो के नितार कर चर्बी निकाली हुई थी, इसे साइड पर रख दिया था मैंने। अब ये चिकन को डाल दीजिए। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट भी डालकर बहुत अच्छे से चूल्हा मीडियम पे रखिए और इसे बार बार चलाते हुए फ्राई कर लीजिए, सो दैट चिकन भी भुनी जाए और ये जो अदरक लहसुन का पेस्ट भी है ना, वो उसका कच्चापन चला जाए। तकरीबन 2-3 मिनट तक इसे भूनिए। जब 3-4 मिनट में चिकन का कलर चेंज हो जाए तो यहाँ पर चूल्हा कर दीजिए स्लो आँच। 1 छोटा चाय का चम्मच नमक डाल दीजिए, 1 छोटा चाय का चम्मच भरकर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए, 1/2 छोटा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर। मैं यहाँ 4 बड़ी सूखी लाल मिर्च डाल रही हूँ, आपकी छोटी हो तो 6 डालिएगा, और 1 टेबलस्पून धनिया आता है ना साबुत वाला, मैं वो डाल रही हूँ। इसे डालकर मिक्स कर लीजिए, चूल्हा मीडियम आंच कर दीजिए। अगर आपको साबुत धनिया नहीं डालना है तो आप इसे दरदरा पीस कर भी डाल सकते हो। आपको ऐसा लग रहा है कि मुंह में आएगी खाने के टाइम पे, तो आप इसे थोड़ा सा भून लीजिए और भूनने के बाद हल्का ठंडा हो जाए तो इसे आप दरदरा पीस कर डालिएगा। अब चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए, 1 कप पानी डाल दीजिए और इसे एक बार चला लीजिए। मैं यहाँ थोड़ी सी हल्दी डालना भूल गई थी, तो 1/4 छोटा चाय का चम्मच हल्दी डाल देती हूँ। इसे फिर से मिक्स कर लेती हूँ और 1/4 छोटा चाय का चम्मच जीरा पाउडर डाल देती हूँ, उसे भी डालकर मिक्स कर। अब इसमें उबाल आ जाने दीजिए। जब उबाल आ जाए तो इसे स्लो आंच करके ढककर तकरीबन 15 मिनट तक पकने दीजिए। तब तक पकाएं जब तक चिकन नहीं गल जाती। चलिए 15 मिनट हो चुके हैं, चिकन मेरी छोटी थी तो वैसे ही गल चुकी है। चूल्हा अब मैं मीडियम आंच कर देती हूँ और बार बार चलाते हुए स्पैचुला से मैं थोड़ा प्रेस कर लेती हूँ, क्योंकि अभी हम ये जो कर रहे हैं ना, ये जो प्याज है ना, वैसे तो सॉफ्ट हो चुकी है लेकिन एकदम घुल जानी चाहिए ना, बस उसे हम भून लीजिए ये सालन के अंदर, सो दैट एक रस हो जाए ना, घुल जाए हमारे सालन के अंदर, नहीं तो थोड़ी थोड़ी दिखेगी। मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो बड़े पसंद आते हैं वैसी दिखने वाली भी प्याज हो तो, क्योंकि ये थोड़ा भुना हुआ गाढ़ा गाढ़ा सा सालन है तो इसे प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन तब भी आप देख रहे हैं मैं स्पैचुला की मदद से इस तरीके से प्रेस करती जा रही हूँ, सो दैट ये जो हमारी प्याज है बहुत अच्छे से घुल जाए और भून जाए, एक रस हो जाए। जब ये हो जाए तो यहाँ पर मैं 150 ग्राम दही डाल देती हूँ। ये फिटी हुई है, रूम टेम्परेचर पे है, और इसे पहले तो डालकर बार बार चलाते हुए इसे पका लीजिए 1 मिनट तक मीडियम आंच पर, क्योंकि नहीं तो अगर हम स्लो पे रखेंगे तो कडल अप होने के चांसेस हो जाते हैं। चलिए जब 1 मिनट हो जाए बार बार चलाते हुए मीडियम आंच पर, तो चूल्हे को कर दीजिए स्लो आंच। आप नमक भी चख लीजिए, अगर आपको कम लगे तो डाल दीजिए, मेरा नमक यहाँ का परफेक्ट है सालन का। अब इसे 1 मिनट के बाद मैं ढक कर 3-4 मिनट दम पर रहने देती हूँ। तब तक पका रही हूँ जब तक ये जो दही है ना, ये भून नहीं जाती। 3-4 मिनट में तो आराम से भून जाएगी, ढक कर स्लो आँच करके पका लीजिए। चलिए 3-4 मिनट हो गई, आप देख सकते हैं क्या बढ़िया सा मेरा ग्रेवी लग रही है और बढ़िया सा मज़ेदार टेस्टी भी है। तो यहाँ पर मैं चूल्हा कर देती हूँ बंद। खूब सारी बारीक कटी हुई कोथमीर यानी कि हरा धनिया डाल दीजिए। तो ये बन गया हमारा बढ़िया से खड़े मसाले वाला चिकन स्टू। मज़ेदार है, थोड़ा सा थिक ही रहता है आप देख सकते हैं, और थोड़ा सा तेल मैंने ज़्यादा ही डाला है, आप आपके हिसाब से डालिएगा। अच्छा, अब ये मैं गर्मा गर्म एक प्याले में निकालती हूँ, थोड़ी सी कोथमीर ऊपर से यानी कि हरा धनिया डालें और इसे सर्व कीजिए। अगर फर्ज करो ग्रेवी आपको एकदम सूख गई है आपसे, तो कुछ मत कीजिए, गर्म पानी डालकर इसे मिक्स कर लीजिए 1/4 कप डालकर, और इसे ढक कर 3-4 मिनट पर स्लो आंच पर पकने दीजिए, सो दैट आपकी ग्रेवी बराबर हो जाएगी।
मैंने जो साबुत धनिया डाला है वो थोड़ा मुंह में आएगा खाने के टाइम पे, जी हाँ, लेकिन आपको अगर पसंद नहीं है तो जैसे मैंने कहा इसे दरदरा पीसकर फिर डालिएगा। तो है ना मजेदार रेसिपी आज की। अगर आप ये वाली रेसिपी बनाएं तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। ये रेसिपी अच्छी लगे तो जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए ये वाली वीडियो को, और उससे ज्यादा अच्छी लगे तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ये वाली वीडियो के लिंक जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा। फिर से हाजिर होंगी नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।